कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे मज़े में और इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। खैर, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लाइफ पैथ नंबर्स के बारे में। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ पैथ नंबर्स के बारे में। लाइफ पैथ नंबर्स होते क्या हैं? गाइज, जैसे आपके जोडियक साइंस होते हैं ना, वैसे आपके लाइफ पैथ नंबर्स भी होते हैं। जोडियक साइंस में क्या होता है कि आपको अपने अपने बारे में पता लगता है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है, या आपको अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए आपको, उसका आपको गाइडेंस मिल सकती है। वैसे आपको लाइफ पैथ नंबर से भी बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। हर लाइफ पैथ नंबर का अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपको अपना लाइफ पैथ नंबर नहीं पता तो आपको उस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपने लाइफ पैथ नंबर को जान सकते हैं। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, मैं नहीं चाहता आप वो गलती को दोहराएं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने लाइफ पैथ नंबर को अच्छे से जान पाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं कैसे आप अपने लाइफ पैथ नंबर को जान सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1995। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। गाइस, आप मेरे 4 जनवरी में विश कर सकते हैं, मेरा बर्थडे है। तो पहले सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को। फिर आपको इसको प्लस की फॉर्म में तोड़ के लिखना है, जैसे कि 4+1+1+9+9+5। ठीक है, तोड़ के इसको प्लस की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपको इसको प्लस करना है और जो आंसर है वो है 29, राइट। अब आपको इसको भी रिड्यूस करना है, प्लस कर दें इनको, 2+9 आंसर है 11। और ये हमारा लाइफ पैथ नंबर है। अब आप कहेंगे कि ये इसको ही प्लस करना है फिर ही तो आएगा, सिंगल नंबर ही तुम्हारा लाइफ पैथ नंबर होता है। नहीं गाइस, ये मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 11, 22, 33। ये नंबर कभी भी रिड्यूस नहीं होते प्लस होके, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। मान लीजिए आपका कोई और नंबर आया, मान लीजिए आपका 10 भी आया प्लस होके, आप इसको प्लस कर सकते हो, जैसे कि 1+0 आंसर है 1। मान लीजिए आपका 18 आया, इसको भी आप तोड़ के रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि 1+8, 9, राइट। तो इस हिसाब से अपना आप लाइफ पैथ नंबर निकाल सकते हैं। अब बहुत से लोग मेरे को कहेंगे आई नो कमेंट बॉक्स में कि यार ये तो सही नहीं बता रहा मेरे को, इसको भी आपको प्लस करना चाहिए। नहीं गाइस, जो ये सारा नंबरोलॉजी है ये पाइथागोरस ने क्रिएट किया है। मैंने खुद पाइथागोरस के बारे में काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी मैंने चीज़ें उनके बारे में पढ़ी। उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो 3 नंबर हैं, ये वाले 11, 22 और 33, ये कभी भी रिड्यूस होके एक नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि मास्टर नंबर है नंबरोलॉजी के हिसाब से। तो आप इनको कभी भी प्लस ना करें। अगर आपका 11 आया है तो आपका 11 मास्टर नंबर है, अगर 22 आया है तो 22 है, 33 है 33 है। बाकी कोई भी नंबर आए आप उसको तोड़ के एक डिजिट में, एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आपका लाइफ पैथ नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 9 है। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको समझ आया होगा कैसे आप अपने लाइफ पैथ नंबर को निकाल सकते हो, जान सकते हो। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, स्माइलिंग। बाय गाइस।